Hello everyone, welcome to Akar Education and welcome to the Vedic Mathematics Workshop. So, आज जो पहला लेक्चर है, आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि हम मल्टीप्लिकेशंस की जो कैलकुलेशंस है वो ओरली या बहुत कम टाइम में कैसे कर सके. तो शुरुआत करते हैं पहले टाइप से जहाँ पे दोनों नंबर्स जो है वो बेस से कम होते हैं, तो ऐसे सम्स को कैसे सॉल्व करते हैं. अब आपको मेथड समझाने से अच्छा आपको मैं सीधा एग्जाम्पल देता हूँ तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो मान लीजिए हमें 97 इंटू 96 करना है. अब नॉर्मली तो आप कैसे करते हैं, 97 के नीचे 96 लिखते हैं और फिर आप ऐसे 97 नीचे 96 लिखा और फिर आप मल्टीप्लिकेशन चालू कर देते हैं. ये 6 इंटू 7, यहाँ पे 2, वहाँ पे 4, तो ये तो बहुत लंबा मेथड होने वाला है. मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ. तो क्योंकि पहला सम है तो डिटेल में बताता हूँ. 97 और 96 को हमने बाजू बाजू में लिख लिया. अब क्लियरली दिख रहा है कि दोनों का बेस जो है वो 100 ले सकते हैं क्योंकि दोनों 100 से नज़दीक है. तो 97 जो है वो 100 से कितना कम है, 3 कम है, इसलिए हमने -3 लिखा. 96 जो है वो कितना कम है, 4 कम है. तो अभी आप नेक्स्ट क्या करेंगे इतना लिखने के बाद, आप 97 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या 96 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको 93 मिलने वाला है. और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इंटू -4 तो +12 होता है. तो इसका मतलब हमारा आंसर है 9312. बस सम खत्म हो गया. बहुत इजी था और बहुत ही जल्दी आंसर आ गया करेक्ट. आप चाहिए तो कैलकुलेटर में वेरीफाई कर सकते हैं, तो मैं आपको यही पे वेरिफिकेशन बता देता हूँ कैलकुलेटर ओपन करके. तो 97 इंटू 96 आंसर है 9312. तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल स्टेप्स से आप ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं. चलिए हम कोई और एग्जांपल लेते हैं. मान लेते हैं हमने लिया है 94 इंटू 91. इसके बाद मैं आपको 3 डिजिट भी बताऊंगा, ठीक है. तो 94 और 91 दोनों अलग अलग लिख लिए. अब 94 कितना कम है, 6 कम है, और 91 कितना कम है, 9 कम है. तो 94 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे या 91 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों में आंसर तो 85 ही आने वाला है. और आप -6 इंटू -9 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 54. इसका मतलब है हमारा आंसर है 8554. वेरीफाई कर लेते हैं. 94 इंटू 91 8554. सो आपने देखा कि 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कितना इजी हो गया. ऑब्वियसली अगर नंबर जो है वो 100 से ज़्यादा दूर है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा. तो उसके लिए क्या करने का हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ले लेते हैं 3 डिजिट नंबर जो 1000 से नज़दीक है. तो मान लीजिए एक है 991 और दूसरा है 985. ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन मुझे करना है. तो यूजिंग दिस मेथड हाउ आई एम गोइंग टू डू इट, तो आइए देखते हैं. 991 जो है वो 1000 से, अब बेस जो है हम 1000 लेंगे तो 9 कम है, और यहाँ पे जो बेस है वो 1000 है तो उधर से 15 कम है. तो आपको 991 -15 करिए या 985 -9 कीजिए, दोनों में आंसर तो 976 आने वाला है. करेक्ट है, 991 -15 करेंगे तो आंसर आएगा 976. अब आप 15 इंटू 9 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 135. इतना तो आप धीरे धीरे जब हायर स्टैंडर्ड में होंगे तो आपको इतना तो आता ही रहेगा कि 15 नाइन जा 135 होता है. ऑब्वियसली अगर आप लोअर स्टैंडर्ड्स में हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे सॉल्व करने के लिए.
तो आप अगर 8th स्टैंडर्ड या उससे कम है तो आप 2 डिजिट तक अच्छे से करे, वही मोर देन इनफ होगा। तो इसका मतलब, लेकिन लॉजिक तो वही रहने वाला है, ठीक है? तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, 976135। तो आइए हम वेरीफाई करते हैं, 991 × 985, इसका आंसर है 976135। तो देखिए कितना इजी हो गया। अच्छा, आपको कुछ छोटी छोटी चीजों के बारे में ध्यान रखना है, जैसे कि 2 डिजिट नंबर में अगर मैं यहाँ पे बीच में ही सॉल्व कर लेता हूँ, 99 × 91 करना है मुझे, फॉर एग्जाम्पल। अब ये सब मैं जानबूझ के ले रहा हूँ, आपको थोड़ी देर में समझेगा कि ऐसा क्यों किया। तो क्लियरली बेस से सिर्फ एक कम है और ये जो है बेस से 9 कम है। तो 99 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे या 91 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बाजू तो 90 आ जाएगा, और 1 × 9 होता है 9। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है और अगर आपको अगर आंसर 1 डिजिट आता है, जैसे यहाँ पे 1 × 9 9 आया है, तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो इसका आंसर है 9009। इस यहाँ से 90 और यहाँ से 09। अगर आप नॉर्मली करते तो क्या करते थे, यहाँ पे आप सिर्फ 9 लिख लेते थे और यहाँ पे आंसर होता था 909, जो कि गलत होता था। तो हमेशा ध्यान रखिए कि 2 डिजिट विथ 2 डिजिट, तो आंसर यहाँ पे भी 2 डिजिट होना चाहिए और यहाँ पे भी 2 डिजिट होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 1 डिजिट आता है तो आप क्या करेंगे, आप उसे 0 आगे ऐड कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 9009। सो आई होप आपको क्लियर है, लेट अस वेरीफाई। सो 99 × 91 करेंगे तो आंसर आता है 9009। अब इसमें एक और पॉसिबिलिटी है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए हम कर रहे हैं 85 × 92, तो यहाँ पे मैं 85 लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं 92 लिख लेता हूँ। तो 85 जो है वो 100 बेस से 15 कम है और 92 जो है वो 100 बेस से 8 कम है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे -19 -15 और यहाँ पे आएगा -8। अब अगर मैं 85 में से 8 सब्ट्रैक्ट करूँ या 92 में से 15 सब्ट्रैक्ट करूँ, मुझे आंसर आना है 77। और अगर मैं 15 × 8 करूँगा, जैसे हर बार हम करते हैं, तो 15 × 8 करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 120। अब यहाँ पे तो 3 डिजिट हो गया, लेकिन आंसर तो सिर्फ 2 डिजिट आना चाहिए, ठीक है? तो अगर 3 डिजिट आ जाता है तो क्या, तो आपको यहाँ का जो जो भी नंबर है, अगर यहाँ पे 1 आता है तो उसको आप इसके साथ ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 78। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे 2 आता तो हम 77 में 2 ऐड कर देते और उसके ऊपर क्या बचा, 20 बचा। तो आंसर है 7820। हम ट्राई कर सकते हैं 85 × 92। सो लेट्स सी, 85 × 92 हमें आंसर आया है 7820। तो मैंने आपको बेसिकली 2 डिजिट के बारे में सब टाइप के सम्स बता दिए हैं। रिवाइज कर लेते हैं एक बार, तो ये जो है वो सिंपल टाइप का सम था। आपको पता है यहाँ पे क्या करना है, 97 है, 96 है, ये -3, ये -4, ये इधर से सब्ट्रैक्ट किया ये मिला, और ये मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिल गया। तो फाइनल आंसर है 9312। 94 × 91 भी वैसा ही है। फिर मैंने आपको ये वाला बताया जहाँ पे ये बाजू में 1 डिजिट नंबर आता है तो आप इसे 09 करके लिख लेंगे, उसे 2 डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे। और लास्ट मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे 3 डिजिट नंबर आ जाता है तो आप क्या करेंगे, ये जो 100th प्लेस पे जो भी नंबर है उसे इसके साथ ऐड कर देंगे और बाकी का जो नंबर है वो यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम 3 डिजिट के बारे में देखेंगे। ठीक है।